सो हेलो एवरीबॉडी, स्वागत है आपका एफपीएस गेम में। तो आज हम वापस खेलने वाले हैं रैंक का सोलो। तो हम देखते हैं कि इसको हम कर पाते हैं कि नहीं, और अगर मर भी जाएंगे तो हमें कोई मतलब नहीं है। हम बस कोशिश करेंगे कि हम जिंदा रहें। और अब हम बढ़ते हैं अपने सोलो की तरफ और देखते हैं क्या होता है। तो हम यहाँ पे लॉबी में आ चुके हैं और देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। पहले यहाँ पे थोड़ी बारिश करा रहे, मैं यहाँ पे अपनी थोड़ी सेटिंग चेंज कर लेता हूँ, अभी टाइम है। तो यहाँ पे मैं जल्दी कंट्रोल में जाके कस्टम हर करूँगा। मुझे ये जो मैंने, ओ ठीक है दोस्तों, मैं नहीं कर पाया। लेकिन वैसे मैं आपको बता दूं, आप यही सोचेंगे मैंने वो बिल्ली का पंजा बीच में क्यों रखा है। वो मैंने इसलिए रखा क्योंकि जब मैं AWM ये कार 90 चलाता हूँ तो उसका जो एम होता है वो नहीं दिया होता है। तो उसके लिए तो मुझे बस उसकी सेंसिटिविटी कम करनी थी, और ये वो काम करने लगता है बहुत अच्छा। और बीच में इतना वो भी नहीं देता है, मतलब कि रुकावट भी नहीं आती। बस मुश्किल होती है उसको एकदम सेंटर में करना। कंप्यूटर में तो आराम से हो जाएगा, लेकिन मोबाइल में करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अंगूठा भी आपका दिखता है या किसी भी उंगली से करते हैं तो बहुत मुश्किल होता है। मैं वापस रेमनाम विलेज में उतरूंगा। अगर रास्ते में पड़ता है रेमनाम विलेज तो मैं उधर ही उतरता हूँ, चाहे वहाँ पर जितने लोग आ जाएं तब भी मैं यहीं पे ही उतरूंगा, क्योंकि ये मेरी फेवरेट जगह है। और यहाँ पे ब्लू जोन ना होने के बाद भी बहुत तगड़ी रूट मिलती है, ये तो मानना पड़ेगा। ये रेमनाम विलेज ऐसे ही कोई सस्ती सी जगह नहीं, यहाँ पर बहुत तगड़ी लूट मिलती है दोस्तों। अभी आप देखेंगे कि हम यहाँ पे नीचे पहुँच रहे हैं, और मुझे मैं पूरा घूम घूम के देख रहा हूँ कि कोई यहाँ पे आदमी तो नहीं। मेरे ख्याल से कोई, ओ शायद आपने पैराशूट देखा होगा, पर मुझे नहीं लगता कि मैं देख पाया है। लेकिन आप एक बार ध्यान से मैं उसका रिप्ले दिखाता हूँ कि आपने शायद वो पैराशूट देखा कि नहीं देखा। तो मेरे ख्याल से अब तक तो आपको दिख ही गया होगा कि वहाँ पे एक पैराशूट है। तो चलिए मैं यहाँ पे जल्दी से लूटता हूँ और देखता हूँ कि कोई आदमी तो नहीं है यहाँ पे, और जल्दी से देखते हैं कि काश कोई आदमी ना मिले। मेरी यही उम्मीद है, यहाँ से मुझे अच्छा सा माल ले जाना है और फिर बाद में ठोकना है। तो मैं आज कोशिश करूँगा कि टॉप 10 में आ जाऊँ। मैं आज कोशिश टॉप 5 की नहीं करूँगा, क्योंकि अभी मेरा मूड नहीं है। जब मूड होता है तब मैं कर लेता हूँ। तो चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे कोई आदमी मिलता है कि नहीं मिलता है। मुझे लगता तो नहीं है कि यहाँ पे कोई और बचा है मेरे अलावा। तो मैं जल्दी से फिर अब यहाँ से निकलता ही हूँ और देखता हूँ कि बाहर मुझे कोई लोग मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। चलिए मैं यहाँ पे हैंगर में आ गया हूँ। तो मैं जल्दी से लॉन्च पैड के पास जाके मैं उस जगह जाता हूँ जहाँ पे वो ड्रॉप गिर रहा है, वो वाला जिसमें अंडे मिलते हैं। मुझे पता है कि मुझे वो अंडे नहीं चाहिए, लेकिन वहाँ पे मुझे पक्का एक आदमी मिल जाएगा, पक्का एक। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं मुझे यहाँ पे लॉन्च पैड मिल गया है। तो मैं जल्दी से मैं खड़ा हो जाता हूँ, और मेरे ख्याल से वो शिप भी मेरे आगे से निकल रही है। तो मैं जल्दी से मैं वहाँ लगा लेता हूँ जहाँ पे वो जा रही है। तो यानी कि वो जा रही है ग्रेवयार्ड में, तो मैंने ग्रेवयार्ड में लगा लिया। अब मैं इसको सीधा तान देता हूँ और सीधा वहीं पे क्रैश होऊंगा। तो दोस्तों हम जा रहे हैं, मुझे यहाँ पे आदमी काश मिल जाए। आदमी नहीं मिलेगा तो मुझे उन अंडों से ही संतुष्टि करनी पड़ेगी। लेकिन दोस्तों मुझे उम्मीद है कि कोई आदमी मिल जाए। लेकिन चलिए मैं उस वहीं पे जाता हूँ जहाँ पे करेक्ट गिर रहा है। तो ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे देखते हैं कि क्या होता है, कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा, या उसके बाद मैं होना। नो, मुझे गोलियाँ पड़ गई, मुझे गोलियाँ पड़ गई। दोस्त मैं जल्दी इसके पीछे कवर लेता हूँ। बस ग्लू वॉल थी, लेकिन मैंने ग्लू वॉल नहीं लगाई क्योंकि मैं बेवकूफ़ हूँ। वो देखिए दोस्तों, अपने आदमी को देख ही लिया, वो वहाँ से वो आ रहे घर के पास से। मैंने जल्दी से अपनी लाइफ तो भरी भरी नहीं पाया हूँ, मैं अभी जल्दी से उसके पास जाऊँगा, MP40 से उसको ठोक दूंगा। और मैं सॉरी, ये कोरोना वायरस की खांसी नहीं, ये पोल्यूशन की खांसी, धूल आ गई थी। मैं उसको ठोक तो नहीं पाऊंगा, मतलब कि कोशिश करूंगा कि मैं इसके हाथों ना मरूं और ये वीडियो ना ख़राब हो। मैं ग्लू वॉल भी तैयार, ओ ये मेरे सामने ही, मैंने इसके सामने ग्लू वॉल लगा दी और ये भाग रही है, लेकिन ये मुझसे बच नहीं पाएगी। अब मैं एक यहाँ पे एक स्टन ग्रेनेड भी फेंक देता हूँ, इससे ये शायद अंधी हो जाए। अब मैं जाता हूँ इसको MP40 से ठोकने, लेकिन ये तो आगे निकल रही है। अब मैं इसको इससे ठोकूंगा, ओ ये तो टंट ना गई। ओ दोस्तों एक भी गोली नहीं लगी, ओह माय गॉड, सारी पैन में अब लगी गोली है। दोस्तों सारी पैन में लगती जा रही है। दोस्तों ये क्या हो रहा है, दोस्तों मुझे समझ में नहीं आ रहा। दोस्तों मुझे ये क्या बकवास हो गया था।
दोस्तों आपने जैसे ही देखा यहाँ पे कुछ नहीं आया मेरे समझ में, जल्दी से मैं उसके पीछे जा दूंगा और वहां से उसको ठोकूंगा। दोस्तों बहुत बैड लक हुआ, भयानक वाला पोपट हो गया मेरा दोस्तों, बहुत भयानक वाला पोपट हुआ। लेकिन अब ये नहीं बचेगा, अब ये नहीं बचेगा, ये गोलियां चलाएगा पर मैं इसको हेडशॉट देने की कोशिश करूंगा, लेकिन उसने भी मुझे डैमेज दिया, लेकिन वो गया, मुझसे पंगा ले रहता है मैम। तो ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हमने इसको मार दिया है, तो अब हम जाएंगे बीच में, तो इसको पहले लूट लेते हैं फिर निकलते हैं यहाँ से। तो देखते हैं कि मैं लूट क्या मिलते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत तगड़ा मिला यहाँ पे SMG, मुझे ARM चाहिए यहाँ पे, इसके पास SMG भरी है। तो मैं यहाँ से ये पेन ले लेता हूँ और यहाँ से निकलता हूँ, और कुछ यहाँ पे लेने लायक मुझे लग नहीं रहा है। SMG कोई रह तो नहीं कहीं चले, मैंने एक ले लिया SMG की। अब मैं वो दूसरे वाले लॉन्च पैड में जाता हूँ, वहाँ से निकलता हूँ यहाँ से। दोस्तों यहाँ पे मुझे एक मॉन्स्टर ट्रक मिल गया है, तो मैं जल्दी तो मॉन्स्टर ट्रक को लेता हूँ और यहाँ से निकलता हूँ पहली फुर्सत में। तो हम धीरे धीरे करके उसके पास पहुँच रहे हैं और ये उम्मीद कर रहे हैं कि कोई आसपास में मिल ना जाए, वरना तो काम तमाम हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से कि इसके आसपास कोई मेरी ताक लगा के बैठा तो होगा नहीं, तो जल्दी से इसको लेके यहाँ से निकलते हैं। मैं हाथ में MP40 इसलिए लेता हूँ, क्या मालूम कभी भी कोई भी आ गया तो जल्दी से उतर के उसका काम। तो और आप जैसे कि देख सकते हैं कि कोई अपने यहाँ पे एयर ड्रॉप मंगा रहा है, तो मैं उसको ठोकने के लिए तैयार रहता हूँ। मैं यहाँ से ये चला हटा देता हूँ ना, तो इतनी बड़ी चीज़ खुलेआम में दिख जाएगी। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उसको कहाँ ढूंढ चाहिए, थर्मल से उसको देखता हूँ कहाँ है वो। हो आप जैसे कि देख सकते हैं कि वो मुझे देख गया, मैं हेडशॉट की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन हेडशॉट लग नहीं रहा, लेकिन साइलेंसर के वजह से उसे पता नहीं चल रहा मैं कहाँ से गोली चला रहा हूँ, उसका काम तमाम। ठीक है, तो हम उसका फिर माल लूटने चलते। तो पहले मैं एयर ड्रॉप का नहीं, पहले मैं उस आदमी का माल लूटने चाहता हूँ। तो मैं इस पर पहुँचूँ कैसे इस तक, ये हवा में ही इसको मिट्टी मिल गई है। बगल से जाने का प्रयास करता हूँ, पहले इसको लूट लेता हूँ, ग्रोजर ले लूँ ना। पर मुझे नहीं लगता कि ग्रोजर, अगर लोगों इसमें साइलेंसर नहीं लगा। ठीक है, तो मैं अपने स्कारल ही ले लेता हूँ, मैंने स्कारल ले ली, चलो साइलेंसर लगा हुआ है जैसे कि आप देख सकते हैं। और अब मैं इस आदमी का माल लूटूंगा। तो इसके पास भी SMG में भरी हुई है, लेकिन मैं बाकी ये मैगजीन ले लेता हूँ जो कि मेरे काम आ सकती है। और ग्लोवर ले ली मैंने, थोड़ी एक ही थी वैसे, तो चलिए मेरे ख्याल से यहाँ से पे SMG में भरी पड़ी हुई है, तो मैंने एक ही ली है और एक से ज़्यादा नहीं लेने वाला मैम। मैं अपनी ये ग्लू वॉल सेलेक्ट कर लेता हूँ इस ग्रेनेड को हटा के, क्योंकि मैं आपको पहले बता दूँ कि हमेशा अपनी ग्लू वॉल सेलेक्ट किए सेलेक्ट रखा करिए, क्योंकि ये कभी भी आदमी पड़े आ जाते हैं तो कभी भी मारने के लिए काम आ सकती है ग्लू वॉल। जैसे आप देख सकते हैं मुझे आदमी दिख गया है, लेकिन वो किसी और के पीछे जा रहा है। वो आप जैसे देख सकते हैं, मैंने अपनी ग्लू वॉल भी सेट कर चुकी है, लेकिन वो आदमी दूसरे आदमी से छिप रहा है। जैसे आप देख सकते हो उनके बीच में शोडाउन होगा, मैं पहले उस छिपे हुए आदमी को मार देता हूँ कि वो प्रो प्लेयर बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं उसको सही चला गया, अब उनकी गोलियाँ वहाँ चल रही हैं, तो मेरे ख्याल से कि मुझे इस आदमी को मार देना चाहिए। मैं मार नहीं पाया, ये अंदर भाग गया, तो उसको अंदर भाग गया, ये अब सामने से आ रहा है, तो मैं अपनी पहले मैं उसको ठोकूँगा। अरे लगता है ये पत्थर के पीछे छुप गया है। नहीं नहीं दोस्तों, ये तो वहीं है, ओ ये आ रहा है, इसने भी गन निकाल ली, मैंने भी गन निकाल ली दोस्तों, लेकिन ये मर नहीं रहा और मैं मर गया दोस्तों। मैंने ग्लू वॉल नहीं लगाया, मैं जोश में हूँ। आप देख सकते हैं सिर्फ 2 HP बाकी थी दोस्तों। चलिए कुछ नहीं दोस्तों, होता है। चलिए दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, मैं टॉप 10 में तो आ गया। चलिए तब तक के लिए बाय बाय।